السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर और सूरत हाल बयान फरमाई है जो जहन्नम में डाले जाने पर जहन्नमियों के साथ पेश आए। अल्लाह फरमाता है इज़ा उल्कू फीहा, जब उसके अंदर डाले जाएंगे, फेंके जाएंगे, दाखिल किया जाना, पहुंचाया जाना एक अलग चीज़ है, और किसी गड्ढे में किसी को फेंक देना, धक्के दे देना ये अलग चीज़ है। अलकायुल की अरबी ज़बान में इसका माना है फेंक देना, किसी चीज़ को डाल देना, छोड़ देना। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के बारे में इशारा फरमाया इज़ा उल्कू फीहा, जब जहन्नम के अंदर इन्हें फेंका जाएगा, कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, कोई जायद चीज़ हो, कोई वेस्टेज हो, उसको फेंकना कहते हैं। यहीं से नफ्सियाती अज़ाब जहन्नमियों का शुरू हो जाए, ले जाए जाने, और इसी तरह से जहन्नम में डाले जाने की जो सूरत है यहीं से नफ्सियाती अज़ाब, तो उनके साथ सुलूक कैसा हो रहा है, उन्हें कैसे ले जाया जा रहा है, अदब से, इहतराम से, तकरीम से, या फिर तौहीन से, तजलील से, बेइज्जती से, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। मुफस्सिरीन कहते हैं ये जहन्नम के आज़ाब, जहन्नम के अज़ाब का आगाज था कि आदमी के साथ ट्रीट कैसा किया जा रहा है। तो चूँकि मुजरिमीन हैं, कुफ्फार हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले वाली आयत में फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया, तो रब के कुफ्र करने वालों को जब अल्लाह फरमाता है इज़ा उल्कू फीहा, जब उसमें जहन्नम में इन्हें फेंका जाएगा, डाला जाएगा। कुरान करीम की कई एक आयतों में ये लफ्ज़ आया हुआ है इल्का, अल्किया फी जहन्नम, इन दोनों को जहन्नम में डाल दो, फेंक दो। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज़ इस्तेमाल फरमाया यौमा इला नारी जहन्नम दअ, उस क़यामत के दिन इन कुफ्फार को, मुशरिकीन को, मुजरिमीन को जहन्नम में धक्के दे करके धकेल दिया जाए। दअ युदा के माने यौमा युदा उना दअ, अल्लाह ने फरमाया उन्हें धक्के दे करके डाला जाए, दफा करके, ये उनकी तौहीन और तजलील की शुरुआत होगी। आगे अल्लाह ने फरमाया इसमें जहन्नम में सम्यू लहा शहीकन, तो वो दाखिल होते ही अंदर जैसे ही उन्हें फेंक दिया जाएगा वो जहन्नम का शहीक सुने, सम्यू लहा शहीकन, शहीक तेज आवाज़ को कहते हैं जिसके अंदर गुर्राहट हो, सख्त गैज़ो गज़ब और गुस्से का इजहार हो, इस तरह की आवाज़ को शहीक कहा जाता है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि आवाज़ की कैफियत ऐसे होगी जैसे गधे की आवाज़ होती है, बतौर मिसाल समझने के लिए, इसी अंदाज की सख्त तेज़ आवाज़ होगी। सम्यूला शहीकन, ये जहन्नमी उस जहन्नम की शहीक को सुनेंगे। दाखिल होते ही जहन्नम बिल्कुल बिफरी हुई गैज़ो गज़ब और गुस्से और इंतकाम के जज्बे से इन कुफ्फार के खिलाफ, क्योंकि लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी से सरकाबी की है, इसलिए उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला, जहन्नम अल्लाह तआला का अज़ाब है, तो वो जहन्नम इनके साथ उसी अंदाज से पेश आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है शख्सम लहा शहीकन, तो जहन्नम की ये तेज़ आवाज़ सुनेंगे, गुर्राहट सुनेंगे। वही कफूर, और जहन्नम बिल्कुल उबल रही होगी। फारा यफूर, इसी से वो फव्वारा है जो उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फव्वारा फारा यफूर के माने होते उबलना, उलटना पलटना तेज़ी के साथ। अगर कोई पानी किसी बर्तन में जो आग पर रखा गया हो, जोश मार रहा हो,
तो किस तरह से तेजी के साथ नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है, उबलता है, खोल रहा होता है, उसी इश्तियाल को, उसी उबाल को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वही अल-गफूर, ये जहन्नम बिल्कुल उबल रही होगी उससे। तो जहन्नम की कैफियत और अहले जहन्नम की कैफियत का एक बिल्कुल मुख्तसर या बिल्कुल कह लीजिए कि एक मामूली सा नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर पेश किया इस आयत करीमा में। तो क्या हालत होगी जहन्नम की और क्या हालत होगी अहले जहन्नम की, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में भी वजाहत आई हुई है और ऐसे बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं। अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहतिमु बादुहा बादन, ऐसी हालत होगी जहन्नम की कि उसका बाज हिस्सा बाज हिस्से को तोड़ रहा होगा, चूड़ा बना रहा होगा, उसे पीस रहा होगा, इस तरह की कैफियत होगी जहन्नम की। उसी कैफियत में इन जहन्नमियों को, कुफार को जहन्नम में फेंक दिया जाए। अल्लाह फरमाता है तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, करीब है कि मारे गुस्से के फट पड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाए। तकादु करीब, ये लफ्ज़ इसी माने में है, कादा के माने करीब होना, इसी के साथ अगर नफी लगी हुई है तो करीब ना होना, तो कादा यकादु ला यकादु बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्बत और मनफी इस्तेमाल होता उसी माने में। तो तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, करीब है यानी बिल्कुल ऐसा होगा, सूरत हाल ऐसी होगी कि ऐसा लगेगा कि जहन्नम गुस्से से फट पड़ेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि वो इसी अल्लाह तबारक व तआला के मुजरिमों को, कुफार को, मुशरिकों को अज़ाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तैयार भी किया है। तो तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, मिनल ग़ैज़ ग़ैज़ गुस्से को कहते हैं, गज़ब और ग़ैज़ दोनों गुस्से के माने में इस्तेमाल होता है। ग़ैज़ के अंदर ये पहलू पाया जाता है कि अंदरूनी ठसन और अंदरूनी जो एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम जज्बा होता है, जल जलन का माना जो अंदर पाया जाता है वो ग़ैज़ के अंदर खासतौर पर मौजूद होता है। अल्लाह फरमाता है मिनल ग़ैज़, मारे गुस्से के, मारे ठसन के और बहुत ज़्यादा इंतकामी जज्बे के, ऐसा लगेगा बिल्कुल करीब है कि जहन्नम फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, इनके साथ न जाने क्या सलूक हो जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा, जब जब इस जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा कोई गिरोह, यहाँ पर भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, शुरू में अल्लाह ने फरमाया इज़ा उल्कु फीहा, जब फेंका जाएगा, डाला जाएगा, यहाँ आगे अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा उल्किया फीहा, जब जब जहन्नम के अंदर कोई टीम, कोई गिरोह, कोई जमान कुफार मुशरिकीन की जब भी उसके अंदर डाली जाएगी, यानी जब भी कुछ लोगों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह फरमाता है सअलहुम खज़नतुहा, तो उन डाले जाने वालों से, फेंके जाने वालों से जहन्नम के दारोगे सवाल करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि जहन्नम के दरवाजे जहन्नम के दारोगे हैं, जैसे जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर फरिश्ते मामूर होंगे इस्तकबाल करने के लिए अहले जन्नत का, उन्हें सलामी देने के लिए, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए, ऐसे ही जहन्नम के जो खजाना दारोगे होंगे वो उन्हें तबकीद के लिए जज्र, तौबीक, डांट, टपट, जाहिर है कि अब ये जो आगे सवाल हो रहा है, जब जब भी कोई गिरोह जहन्नमियों का जहन्नम में डाला जाएगा, सारा खजाना हुआ, तो उनसे जहन्नम के दारोगे पूछेंगे। ये पूछताछ सीखने, सिखाने, समझने, समझाने के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये पूछताछ कैसे सारा खजाना हुआ, दारोगे पूछेंगे अलम यातिकुन नज़ीर, क्या बात है, जहन्नम में क्यों आ गए, जहन्नम में क्यों आ गए, क्या कोई नबी नहीं आया था तुम्हारे पास लाने के लिए, कोई किताब नहीं आई समझाने बुझाने के लिए, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डराने वाला नबी, रसूल, पैगंबर, कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलह तुम्हें समझाने वाला, तुम्हें नसीहत करने वाला नहीं आया था कि तुम्हें पता चलता कि अल्लाह का दीन क्या है, अल्लाह की तौहीद क्या है, तुमने कुफ्र क्यों अख्तियार किया, कोई समझाने वाला नहीं आया था कि कुफ्र करोगे तो अंजाम क्या होगा तुम्हारा। नज़ीर और बशीर, रुसुल मुबशिरीन व मुंज़िरीन, रुसुल मुबशिरीन व मुंज़िरीन, अल्लाह फरमाता है हमने बहुत सारे रसूल भेजे, पैगंबर भेजे हैं, मुबशिरीन खुशखबरी देने वाला बनाकर, और मुंज़िरीन
डराने वाला, चौकन्ना करने वाला, आगाह करने वाला बना करके भेजा, ताकि कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब का वक्त आए तो किसी के पास कोई उज्र और कोई हीला बहाना, कोई हुज्जत किसी के पास बाकी ना बचे कि वो कहे कि अल्लाह मुझे नहीं मालूम, मुझे इल्म नहीं हुआ, तेरी तरफ से कोई रहनुमाई करने वाला, तेरी तरफ से कोई पैगंबर, तेरी तरफ से कोई कासिद अगर आया होता और हमें बताता कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमारी समझ में आता, लेकिन नहीं आया हमारे पास। तो ऐसा कोई ना कह सके, रसूलों को इसलिए भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने ताकि कोई कल क़यामत के दिन हीला बहाना ना कर सके और ये साबित ना कर सके कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी का सलूक हो रहा है, हमें भेजा अज़ाब में मुब्तला किया जा रहा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ अल्लाह ताला ज़्यादती कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह की कोई बात ना हो सके, इसलिए अल्लाह ताला ने हुज्जत कायम कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्ता फौज सारे खज़ाना तुम दारों के फरिश्ते जहन्नम के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मामूर होंगे पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। ये वही है, ये सवाल उनको मज़ीद तकलीफ देने, अज़ियत देने और बहुत ज़्यादा एहसास का, बहुत ज़्यादा एहसास दिलाने के लिए होगा। ज़ाहिर सी बात है कि अब तो वो अज़ाब में मुब्तला किए गए हैं, जहन्नम में दाखिल किए जा रहे हैं, अब सवाल करने ना करने, जवाब देने न जाने न देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सवाल करेंगे ताकि याद दिला दे कि अंबिया आए थे, तुमने अंबिया की बातों को नहीं माना है, तुमने झुठलाया है अंबिया को, तुमने झुठलाया है अल्लाह के पैमान को, तुमने तकजीब की है, तुमने कुफ्र का रास्ता अख्तियार किया है। अंबिया सारे के सारे इसलिए आए थे ताकि तुम्हें एक अल्लाह की बंदगी की दावत दें, कोई रसूल कोई पैगंबर इसलिए नहीं आया कि तुम्हें ये बात ना बतलाए। शरीयत के अहकाम मसाइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ थे, लेकिन ये मसला कि तुम कुफ्र करके आओ, ये तो किसी नबी की दावत नहीं थी, किसी नबी की दावत नहीं थी, तो क्या हुआ, क्या कोई नबी आया ही नहीं तुम्हारे पास, या आया तो क्या कुछ और बता करके गया, क्या कुछ और रहनुमाई करके गया। तो असल में यही है, यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन रसूलों को बशीर और नज़ीर कहा है। बशीर और नज़ीर, इंसान खुशखबरियों की तलाश में रहता है जिससे उसको खुशी महसूस हो और उसका अंजाम अच्छा हो, उसे नेक नतीजा मिले, उसका मुस्तकबिल उसका फ्यूचर रोशन हो, आदमी इसकी तलाश में रहता है, इसकी जस्तजू में रहता है, और ये उसकी तबीयत का मेरे भाइयों बहुत बड़ा मतलूब है। और ऐसे ही इस तरह की चीज़ें जो उसके हक में अच्छी ना हो, नुकसानदेह हो, उसकी आकिबत उसके अंजाम को उसके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली हो, ऐसी चीज़ों से इंसान भागता है। तो अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम को बशीर और नज़ीर कहा है। ये लफ्ज़ खुद बहुत बहुत कीमती लफ्ज़ है कि इंसान ये समझे कि ये नबी इसलिए आया है ताकि हमें अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत और उसके नेमतों की खुशखबरी सुनाए। अगर हम ईमान और तौहीद की, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत की पाबंदी की ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर हम तौहीद का रास्ता छोड़कर कुफ्र शिर्क और ऐसे ही बेइत्तिनाई एराज इन्हिराफ और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और उनकी शरीयत से बगावत का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो ऐसी सूरत में ये हमें जहन्नम के अज़ाब अल्लाह के फैज़ो गज़ब की से डराने के लिए आया हुआ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्ते मामूर होंगे जो उनसे ये पूछेंगे, ये एहसास दिलाएंगे कि जो सज़ा तुम्हें मिल रही है ये ना समझना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हक है, बजा है, और तुम वाकई इसी के मुस्तहिक हो, तुम्हारे पास रसूल आया था कि नहीं आया था। तो ये नहीं सवाल है कि आया था कि नहीं आया था, बताओ सही सही क्या हो, ये नहीं बताना, ये है कि हुज्जत कायम की जा रही है, क्या नहीं आया था, ऐसा क्यों किया तुमने। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुज्जत तमाम है, कोई उज्र कोई हीला और किसी भी तरह का बहाना कल क़यामत के दिन नहीं चल सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले दो ही तरह के हैं, या तो सरापा अदल और इंसाफ का फैसला है, या सरापा फजल और करम का फैसला है, कहीं भी जुल्म का शायबा नहीं है। जिन लोगों को जन्नत जन्नत की नेमतें मग़फ़िरत रिज़वान और अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें मैसर आ रही हैं, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला का फैसला फजल और करम का फैसला है, फजल का एहसान का फैसला है। और जिन लोगों के साथ जहन्नम का जहन्नम के इस्तेहकाम का फैसला जिनके साथ हो रहा है, उनके साथ जुल्म नहीं है बल्कि वो सरापा अदल है, सरापा इंसाफ है, उसी का मुस्तहिक है बंदा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उसका मुस्तहिक बना दिया, क्योंकि उसने सारी हुज्जतें सारी दलीलें नबियों का भेजा जाना, किताबों का उतारा जाना,
ऐसे ही बशीर नज़ीर बन करके आकर के समझाने वालों का समझाना, इन तमाम के बावजूद भी उसने तौहीद और ईमान के रास्ते को छोड़कर कुफ्र और शिर्क का रास्ता अख्तियार किया। अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़ करके गैरों के दर के सामने सर दर पर सर टेकता रहा, या अल्लाह तआला की बंदगी के साथ साथ गैरों के सामने भी वो अपनी जबीन को न्यास को जबीर न्यास को कम करता रहा। इसकी सजा यह है कि वो जहन्नम में डाला जाएगा, और ये जहन्नम का दाखिला हमेशा हमेशा का दाखिला है, क्योंकि कुफार की बात चलने से पहले वाली आयत करीमा की सराहत के साथ ये जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो असल में कि हमेशा हमेशा रहेंगे, अगर यही ताइब होकर के चले जाएं तो आखिरी दकीके पर भी, यानी आखिरी आखिरी मोड़ पर भी अगर कोई शख्स को खुशी से तौबा कर ले और ईमान की ईमान के साथ दुनिया से उठाया जाए, तो ऐसे सूरत में उसे जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला उसे नजात देकर के उसे जन्नत का मुस्तहिक बना देगा, गरचे कि वो शख्स एक सजदे का भी मौका न पाया हो, लेकिन उसकी मौत ईमान पर हुई हो, तौहीद पर हुई हो, तो भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि वो अबदी तौर पर यकीनी तौर पर वो अबदी तौर पर जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि अपनी सजा भुगत करके अपनी सजा झेल करके वो जहन्नम से आज़ाद होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो बहरहाल इसके अंदर इबरत है, इसके अंदर नसीहत है, आगे मज़ीद बातें आ रही हैं, जो जवाब वो देगा और अपनी हरकत बताएगा कि रसूल तो आया, हुज्जत कायम हुई, लेकिन मेरा कसूर ये है, मेरा जुर्म ये है, हमने क्या किया है, हमारी वजह से, हमारे अपने करतूत की वजह से हमारा ये अंजाम हुआ। तो खैर, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अजाब से, उसकी हैबत से हमें बचने के असबाब अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम से, जहन्नम के अजाब से अल्लाह तआला पनाह मांगने की दुआ फरमाए, पनाह मांगने की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सामने मौजूद थी, एक मौके पर दुआ करते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि रिवायत सही मुस्लिम वगैरह के अंदर है, दुआ करते हुए उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा अमतिअनी बिज़ौजी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अमतिअनी बि अबी अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहुम्मा अमतिअनी बि अखी मुआविया इब्न अबी सुफियान, ए अल्लाह तआला तू मुझे अपने शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लुत्फ और ज़िंदगी की लज्जत उठाने की तौफीक अता फरमा, मेरे बाप अबू सुफियान की ज़िंदगी से मुझे लज्जत और नेमत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, मेरे भाई मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनके ज़रिए से मुझे दुनिया की लज्जत और दुनिया का मज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमा, यानी मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहे और मैं खुश रहूँ, मेरे बाप अबू सुफियान ज़िंदा रहे और मैं खुश रहूँ और मेरे भाई ज़िंदा रहे, इस तरह की दुआ को करने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी सोच के साथ हो रही है, दुनियावी पहलू को ही सामने रख करके इस दुआ की जा रही है कि मेरे अगर शौहर ज़िंदा रहेंगे तो मुझे ज़िंदगी की लज्जत मिलती रहेगी, मैं किसी तरह से बदबख्त नहीं बनूंगी, बुरे हालत से नहीं गुजरूंगी, मेरे बाप रहेंगे, मेरे भाई रहेंगे, दुआ करने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, कहा उम्मे हबीबा जो दुआ तुमने किया है ये सारी दुआ ऐसी है जो तुम मांग रही हो उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर रहें, तुम्हारे बाप जिंदा रहें, तुम्हारे भाई जिंदा रहें, ये सवाल तो ऐसा है जिसमें कुछ बदलना नहीं है, वैसे ही होना है जैसे होना है, ना तो तुम्हारे दुआ करने से एक सेकंड की ज़िंदगी उनकी बढ़ेगी, ना तुम्हारे दुआ करने से उनके उनकी रोज़ी में इजाफा होगा, ना तुम्हारे दुआ करने से उनकी मौत वक्त से आगे पीछे हो जाएगी, कोई तब्दीली होने वाली लकद सअलतिल्लाह बिआजालिन मग़रूबा व अय्यामिन मअदूदा व अरज़ाक़िन मक़सूमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सवाल जो तुमने किया अल्लाह से मांगा है वो तो तय तमाम है, ना अल्लाह तबारक व तआला इसमें से कुछ पहले करेगा, ना इसमें से किसी चीज़ को देर करेगा, सबकी मौत जिंदगी टाइम टेबल सब तय है, इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं, इसलिए ये मांगने के बजाय तुम्हें ये मांगना चाहिए था। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलौ सअलतिल्लाह अन युईज़क मिन अज़ाबिन फिन्नार व अज़ाबिन फिल्क़ब्र लकान खैरन व अफ़दल, उम्मे हबीबा अगर तुमने इसके बजाय अल्लाह से ये मांगा होता कि अल्लाह ताला तुझे जहन्नम के अज़ाब से और कब्र के अज़ाब से पनाह दे दे,
अल्लाह ताला तुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, कब्र के अज़ाब से बचा ले, अगर ये दुआ तुमने की होती ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता, बहुत अफजल होता। तो ये मांगने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज जब जन्नत की आयतों से गुजरते तो जन्नत का सवाल करते, जहन्नम और अल्लाह के अज़ाब की आयतों से गुजरते तो अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम और जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते। ये तरीका होता था और हमें भी जगह जगह जहन्नम के अज़ाब से, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है, नमाज के अंदर, नमाज के बाहर और नमाज के और उसके अलावा दीगर मौके पर। तो हमें चाहिए कि हम जहन्नम को, उसकी हौला की, उसकी हैबत को समझें और अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको उसके अज़ाब से बचा दे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।